लॉकडाउन में यूपी बिहार से ताल्लुक रखने वाले मजदूर जहां अपने प्रदेश वापस लौटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं श्रमिकों और मजदूरों का प्रदेश से बाहर जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि खगड़िया से 222 मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन शुक्रवार को हैदराबाद से सटे लिंगमपल्ली स्टेशन पहुंची और ये ट्रेन 7 तारीख को सुबह 3:45 पर खगड़िया से रवाना हुई थी। लिंगमपल्ली स्टेशन पर मजदूरों की स्क्रीनिंग होने के बाद उन्हें नलगोंडा, मिर्यालगुड़ा, करीमनगर, जगतियाल, पोडापल्ली, सुल्तानाबाद, मंचेरियल और सिद्धिपेट जिलों के मिलों में भेज दिया गया। मजदूरों को बिहार से लाने के लिए ट्रेन का इंतजाम तेलंगाना सरकार ने ही किया था, क्योंकि वहां के राइस मिलों में खगड़िया के कुशल श्रमिकों की खास मांग रहती है। साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भी कहा है कि बिहार से बड़ी संख्या में श्रमिक आना चाहते हैं, तो वो 20,000 मजदूरों को लेने को तैयार हैं। राव ने बीते महीने में बिहार सरकार से मजदूरों को भेजने का अनुरोध भी किया था, क्योंकि तेलंगाना की राइस मिलों में 90% श्रमिक बिहार के हैं और ये सभी होली में घर लौट गए थे। इसके साथ ही खगड़िया के जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया है कि तेलंगाना सरकार ने बिहार सरकार से मजदूरों को वापस भेजने का आग्रह किया था और देर रात शॉर्ट नोटिस पर सूचना मिली तो तेलंगाना सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई मजदूरों की सूची में शामिल मजदूरों से संपर्क किया गया और उन सभी ने काम पर वापस जाने की इच्छा जताई। इसके बाद सभी को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस भेजा गया। बिहार से जाने वाली ये पहली श्रमिक ट्रेन है। न्यूज़ डेस्क।